आज हर व्यक्ति खुद को सफलता के लिए तैयार कर रहा है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। एक विद्यार्थी जहां अपनी परीक्षा में अच्छा करना चाहता है, वही एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में मुनाफा कमाना चाहता है। हम सब लोग कहीं ना कहीं अपनी बेहतर ज़िंदगी की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन सफलता की रेस में कब हम लोग तनाव की चपेट में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य की फिक्र है, तो एक यंग जनरेशन को अपने करियर की। कोई अपने रिलेशनशिप से संतुष्ट नहीं है तो कोई अपने जॉब से परेशान है। यानी कहने का मतलब यह है कि अधिकतर लोग आज अपना जीवन टेंशन में बिता रहे हैं, इससे कि कई प्रकार के मन के रोग हो जाते हैं, जैसे कि चिंता, डिप्रेशन, पैनिक और डिसऑर्डर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं अमृता लेकर आई हूँ कुछ ऐसे खास टिप्स जिससे कि आसानी से आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अगर आपकी सोच नकारात्मक हो गई तो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, साथ में आपको इससे केवल परेशानी ही होगी। जबकि पॉजिटिव थिंकिंग के बल पर आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं। ज़िंदगी जीने के लिए जितना ज़रूरी कार्य करना है, उतना ही ज़रूरी अपने लिए समय निकालना। केवल काम करते करते ज़िंदगी में एकरसता आ जाती है, इस एकरसता को तोड़ना ज़रूरी है। इसके टूटने पर ही नई ऊर्जा मिलती है। समय समय पर अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मौज मस्ती के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। हमारी हॉबी हमें कभी भी अकेला नहीं रखती, ये हमारे अंदर जीने की इच्छा को बनाए रखती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है। हमारी हॉबी जो हमें हमेशा खुश रहने में मदद करती है। आप अपनी हॉबी को जैसे कि क्रिकेट, गेम्स, म्यूज़िक, ट्रैवलिंग, वॉकिंग, डांसिंग, पेंटिंग के लिए समय निकालें और अपने तनाव को दूर भगाएं। गहरी नींद लेना तनाव दूर करने का सबसे कारगर तरीका है। आप खुद भी इसे आजमा कर देख सकते हैं। जब हम गहरी नींद लेते हैं तो हमें काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है और हम बेहतर महसूस करते हैं। आप जब भी तनाव महसूस करें तो आप अच्छी सी नींद लें। वैसे एक दिन में हर व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए। आज योगा हमारी कई बीमारियों को दूर कर रहा है। योग में वह शक्ति है जो किसी भी बीमारी को दूर कर सकती है। तनाव को दूर करने के लिए योग का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि योग हमें तनाव से मुक्त कर देता है। आप तनाव से निकलने के लिए योग करें, जिसमें आप अलोम विलोम सांस को तेज़ी से अंदर बाहर ले सकते हैं। तनाव में व्यक्ति मुरझाया नज़र आता है, उसका चेहरा उदास रहता है। इससे निकलने के लिए आप ऐसी चीज़ों से जुड़ सकते हैं जो आपको अच्छा फील कराए, आपको खुशी दे। आप टीवी देख सकते हैं, हंसने वाले सीरियल देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे हंसने वाले वीडियोस देख सकते हैं। आपको मेरी वीडियो भी बहुत हंसाएगी, एमी का कॉमेडी तड़का, मेरा एक कॉमेडी चैनल है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप जोक्स पढ़ सकते हैं और उन लोगों के साथ आप रह सकते हैं जो हंसने में माहिर होते हैं। ऐसे में आप अच्छा महसूस करेंगे। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करने से, मतलब मेडिटेशन करने से, मन को शांति मिलती है। इससे मानसिक, भावनात्मक व शारीरिक राहत महसूस होगी। ध्यान करने से व्यक्ति एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां से लौटने पर उसे ये दुनिया भी काफ़ी सुंदर लगती है। जी हां, जब हम ध्यान में होते हैं तब हमें अपनी कमज़ोरियाँ और हमारी मजबूती दिखती है, जो खुद को बेहतर करने में सहायक होती है। ध्यान करने से हमें एक सुकून मिलता है और मन खुशनुमा हो जाता है। अगर आप लंबे समय से तनाव की चपेट में हैं तो घूमना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। घूमने से हमारी लाइफ में एक बदलाव आ जाता है, जो हमारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है और हमें सकारात्मक बना देता है। अपना समय निकालकर घूमने की योजना बनाएं। जब आप अपने माहौल से निकलोगे और आप घूमने में एक नए माहौल में पहुँच जाओगे, जो आपको एक नई ऊर्जा देगा और आप अपने तनाव को दूर करने में सक्षम हो जाओगे। टेंशन के समय आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुने। संगीत हमें शांत करता है और हमें बोरियत से बाहर निकालता है। आप अपने मूड के हिसाब से अपने गाने सुन सकते हैं। आपने धार्मिक व्यक्तियों को ज़रूर देखा होगा, उनमें एक बात कॉमन होती है और वह है स्ट्रेस लेवल का ज़ीरो होना। उनको आध्यात्म से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आप धार्मिक साहित्य नियम से पढ़ें और धार्मिक संगीत सुने।
अपने आचरण, मन, वचन, कर्म को शुद्धता की ओर ले जाएं। दया, प्रेम, सरलता को सबसे ऊपर रखें। आध्यात्मिक चीज़ें हमें नकारात्मक सोच से बाहर निकालती है। झूठ बोलने का हमारे तनाव से बहुत हद तक संबंध होता है। जब हम किसी भी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो हम एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं और इसकी सज़ा हमारे शरीर की अदालत यानी कि हमारी आत्मा देती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो ये हमारे तनाव का कारण बन सकता है, इसीलिए झूठ बोलने से बचें और सच बोलने की आदत डाल लें। मनुष्य का जीवन ऐसा है जहाँ वह बुरी आदतों को अपनाकर अपने शरीर का नाश करता है। जब हम पैदा होते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और हमारे शरीर के सभी अंग बिल्कुल ठीक होते हैं, किंतु हम अपनी बुरी आदतों के कारण अपने शरीर का नाश कर देते हैं और एक समय ऐसा आता है जब हमारा शरीर इन बुरी आदतों से इतना भर जाता है कि व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसीलिए आप खुद के अंदर झांक कर देखें कि आप में कौन सी बुरी आदतें हैं। सभी लोगों में कोई ना कोई बुरी आदत होती है, इसलिए आप अपनी बुरी आदतों को समय रहते दूर कर ले, वरना तनाव के कारण आपको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो और भी ऐसी कई चीज़ें दोस्तों जिसे एक वीडियो में पूरा कर पाना मुश्किल है। अगली वीडियो में मैं और भी तरीके आपको बताऊंगी तनाव से दूर रहने के। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।